आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज हमारे हर प्रकार के कमाई में परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। आज हमें इस प्रार्थना को सही से और ध्यान से सुनना है, अपने मन को एकाग्र करके प्रार्थना सभा में आप जब बैठें, चाहे आप अकेले हों, चाहे अपने परिवार अपने फैमिली के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने मन को शांत करिए और हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जो दूसरे के हैं उन्हें क्षमा करें। जो दूसरे लोग आपके बारे में कुछ बोला है, आप अपने मन में उसके प्रति कुछ आपने रखा है, तो आप उसे निकाल दीजिए और आपकी कमाई में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। आपके हर प्रकार के भंडार में परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोल करके आपको परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा और आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ना है ताकि प्रभु हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। आज हमारे कामों में प्रभु हमें बरकत दे, हमें आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम हर तरीके से मजबूत रहें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आज हमारे जीवन में है, आज हमारे घर में है, जो आज हमारे घर में पैसे नहीं रुकते हैं, जो हमारे घर में जो काम तो करते हैं लेकिन उस कमाई में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, तो परमेश्वर आज आपको हर प्रकार के जो आप काम करते हैं, चाहे आप सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, या खेती करते हैं या किसानी करते हैं, या किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, या किसी शहर में आप काम करते हैं, या कहीं भी किसी भी कार्य में आप कार्यरत हैं, तो उसमें परमेश्वर आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए मैं प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं, यहोवा अपनी कृपा के भंडार आकाश को खोल करके तुम्हारी भूमि पर जिस तरीके से समय पर वर्षा करेगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को और सब कामों पे आशीष देगा, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार ना लेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 12 में लिखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो फिर यहोवा की आज्ञा को जब मानोगे या उससे प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, उसकी हर प्रकार की आज्ञाओं को हमें पालन करना है और उसकी और जिस तरीके से उसकी सब आज्ञाओं का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ जब तक जो आपके जीवन में, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब कामों में और आशीष देगा और तुम्हारे गर्भ के फल में और तुम्हारे पशुओं और बच्चों के जीवन में और तुम्हारी भूमि में उपज में और बहुत से सारी चीज़ों में अधिक से अधिक उन्नति करेगा। यहोवा जिस तरीके से परमेश्वर तुमसे फिर जिस तरीके से प्रसन्न होगा और तुम्हें उसी प्रकार प्रसन्न करेगा जिस प्रकार वह तुम्हारे पुरखों से और तुम्हारे बाल बच्चों और तुम्हारे घर को प्रसन्न करता हुआ आया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और वचन नंबर 8 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी हम अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो आज हमें भरोसा रखना है कि आज इस शाम के वक्त जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करेगा आपके हर एक चीज़ों में, चाहे वो आपके काम हो, चाहे आपकी खेती करते हो, किसानी करते हो, किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या किसी भी दल में किसी भी संस्था से आप जुड़े हैं, उसमें परमेश्वर आपके हर एक कामों में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपकी हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु दूर करेगा। आपको केवल क्या करना है, प्रार्थना को रिसीव करना है और ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सभी अपने जीवन पर प्रभु के वचन पर विश्वास और भरोसा बनाए रखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम चाहते भी हैं और जिस तरीके से वास्तव में वह हमें आशीष देता है और देना भी चाहता है, वह हमें आशीष देना चाहता है और वो छीनने वाला नहीं है, वह हमें आशीष दे करके छीनने वाला नहीं है। क्योंकि शैतान जब हमारे जीवन में अटैक करता है तो हमारे घर से वो हर प्रकार की जो कमाई होती है उसे वो छीन लेता है, वो चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे वो दुख के चिंता मुसीबत में, या किसी न किसी रूप में आकर के वो शैतान आज हमारे जीवन से, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, वो क्या है, शैतान हमारे कामों से वो हमारे जीवन में बिगाड़ करने लगता है, मतलब बिगाड़ने लगता है। तो खुदा के वचन पे आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर सदैव हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे जिस तरीके से कहता है,
लूका पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 21 में लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र शक्ति से भर गया। आज आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आप विदेश में काम करने गए हैं, आपको आशीष नहीं आती है, आपको बरकत नहीं आती है। आप किसी यहीं गाँव में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, या किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं, चाहे आप खेती करते हैं या आप घर में रह करके कोई काम करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत देगा। आपके कामों में परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके कमाई को परमेश्वर 100 गुना नहीं, 1000 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, 1000 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि आज आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको परमेश्वर 1000 करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा के द्वारा भर गया और खुशी से फूला नहीं समाया और बोला, हे पिता जो तू आज स्वर्ग में और पृथ्वी के मालिक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सबके सामने तेरी बड़ाई करता हूँ कि तूने ये बातें बुद्धिमानी और ज्ञानियों से, तो बड़े बड़े धन जिस तरीके से ध्यान से छिपाया हुआ है और जिस तरीके छुपा करके रखा है, मगर नन्हे मुन्ने पर, आज हमारे बच्चों, आज हमारे घर में, आज हम छोटे काम करते हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, छोटी सी दुकान है, उसमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने जा रहा है। आज हमारे जीवन में आपने प्रकट किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवन में जो भी आपकी आशीष है, बरकत है, उसे हम मंजूर करते हैं और हम ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे कामों में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष दे, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस तरीके से हम जानते हैं दानियल के जीवन में, दानियल बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। तो खुदा आज आपके जीवन में, आपके कमाई में परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन, मतलब आप पैसे ही कमा रहे हैं तब आपको आशीष देगा, नहीं, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो आपकी वो भी एक कमाई होती है, तो उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देता है। जैसे दानियल को परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष दिया, उसके कमाई में परमेश्वर उसको 1000 गुना नहीं, उसे 1000ों और लाखों गुना परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। जिस तरीके हम वचन को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दानियल पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 4 में, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके से, हे दानियल तू इन बातों को राज रख और अंत के समय तक किताब को मुंह बंद करके, जिस तरीके से मोहर बंद कर दे, बहुत से लोग ढूंढ ढांड करेंगे और सच्चा ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देखते हैं, जब दानियल के जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आती थी, बहुत सारी समस्याएं आती थी, तो वो एक पल में चुटकी बजाते ही वो क्या कर देता था, सॉल्व कर हो जाता था उसके जीवन में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के तुरंत एक सेकंड में आकर के उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, और उसके मन में जो भी सवाल होते थे उसको तुरंत जवाब मिल जाता था। जैसे आप जानते हैं राजा के जीवन में बहुत सारे वो सपने देखता था, वो सपने का अर्थ पूछता था, वो सपना भी नहीं बताता था कि राजा ने क्या सपना देखा, लेकिन दानियल ये बताता था पहले कि राजा आपने आज सपना क्या देखा, उसका अर्थ भी बताता था और ये भी बताता था कि ये कब पूरा होगा और ये कब ये घटना घटेगी। तो ये आज हमारे कमाई पे आशीष है। आज आप पैसा भी कमाने, आप किसी भी स्थान में हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में आज उपस्थित हैं, आप वहाँ पर काम करते हैं, आपका मालिक आपके पैसे नहीं दे रहा है, वहाँ पर रुकावटें आ रही हैं, तो परमेश्वर आपको उसमें ब्लेसिंग करने जा रहा है। वो आपके मालिक के हर प्रकार के मन को बदलने जा रहा है, आपके जो इंचार्ज हैं उसके मन को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिसे आज परमेश्वर के वचन से प्रेम है उसे परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है, उसे बड़ा, उसे अनेक प्रकार की ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। आज यदि आप 10 रुपये कमाते हैं तो परमेश्वर आपकी कमाई में आशीष देने जा रहा है, आपको 500 रुपये करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, 1000 रुपये करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज
हमें विश्वास और भरोसा के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है और ग्रहण करना कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को आज परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना को रिसीव करना और अंतिम तक सुनना ताकि प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, आपकी कमाई में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आज जिस काम के लिए आप गए हैं विदेशों में पैसा कमाने के लिए, उसमें परमेश्वर आपको 10 गुना 100 गुना 50 गुना जो भी परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप जितना विश्वास करेंगे उतना परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, आपके हालात को देखेगा और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देख करके आपको बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां किसी भी शहर में आज वो जा करके पैसा कमाने गए, यीशु मसीह के नाम से उनके कमाई में ढेर सारी आशीष दे और बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों के जीवन, उनके घर में ढेर सारी बरकत और आशीष दे। आज जो मेरे भाई हैं, आज जो मेरी बहनें हैं, आज जो काम करते हैं, आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके हर प्रकार की बुराइयों को आज दूर करें यीशु मसीह के नाम से। उनके मन में जो भी चिंताएँ हैं, उनके जीवन में कमाई नहीं बढ़ती है, उनके कमाई में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक गिलास आप पानी लीजिए। आज आपको प्रार्थना को रिसीव करना है, आपको ग्रहण करना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है। आपके हर प्रकार के जो पैसे रुके हुए हैं उसमें परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपके हर प्रकार के पैसे मिलने जा रहे हैं। जो आपके पैसे बैंक से रुके हुए हैं, जो आप काम के आशीष के लिए आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, जो आपने मेहनत की है उसमें परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। जिस तरीके से राजा सुलेमान को, जिस तरीके से दानियल को, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी। राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगों से परमेश्वर ने आज आपको बचाया है। आपकी कमाई में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जो आप उदास हैं, आप चिंतित हैं कि आज मैं अपने बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कमाई में आशीष नहीं आती, बरकत नहीं आती है, आज मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में, इनके घर में, इनके कमाई में ढेर सारी आशीष आए, ढेर सारी बरकत आए और इनके जीवन में और फले और फूले और बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज जो कमाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं परमेश्वर, उनके मेहनत में फल दे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपका वचन कहता है कि मैं तुझे 100 गुना 10 गुना 50 गुना 1000 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव करें और सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी भी देश में आज बैठ करके वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और जितने मसीह भाई बहनों की प्रार्थना लिखी जा चुकी है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, और जितने मेरे मसीह भाई बहन गवाहियों को भेजते हैं उनके लिए प्रार्थना, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपके उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती कर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों को लिखते हैं, अपने कामों के आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए लिखते हैं, अपने नाम पता जिस तरीके से लिखते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते यीशु मसीह के नाम से। उन्हें छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से छुड़ा परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले, ब्लेसिंग करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में जो भी काम करते, धंधे करते, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनमें अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, जो मुसीबतें हैं, जो टेंशन है यीशु मसीह के नाम से, वो सब दूर कर यीशु मसीह के नाम से, और इनके कमाई में ढेर सारी आशीष दे और इनको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के चल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि आज जो आज आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां, प्रभु हम आपके वचन में विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर आपने हर मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए जो आपके हर प्रकार के बंधन आज आपके बंधे हैं कमाई में, क्योंकि शैतान आपकी कमाई में आपके बहुत सारी रुकावटें डाल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप पैसा तो कमाते हैं, आपके घर में पैसा
पैसा भी आता है लेकिन उसमें आशीष नहीं आती है, आशीष नहीं आती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की आशीष आपके घर में वास करेगी, आपके बच्चों के जीवन में वास करेगी, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके धंधों में, आपके हर प्रकार की चीज़ों में। आप किसी भी देश में जा करके वहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, आज परमेश्वर आपके कमाई में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी इनके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में ब्लेसिंग के द्वारा बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो चिंताएं हैं वो ब्लेसिंग के द्वारा बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपके हर एक प्रकार के कमाई में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने अपनी गवाही को भेजना चाहते हैं तो आप वीडियो बना करके अपनी गवाही को अवश्य भेजें दिए गए स्क्रीन नंबर पर, ताकि हम सभी मसीह भाई बहनों को आपकी गवाही को दिखा सकें, ताकि आप प्रभु का धन्यवाद कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें और खुदा आपके आपके परिवार में आपके हर प्रकार के कामों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष दे। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही अवश्य भेजें और ज़रूर लिखें ताकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कलीसिया के माध्यम से, वो अपना बीज बोना चाहते हैं अपने कमाई के लिए, तो परमेश्वर आपको 100 गुना, आपको 1000 गुना परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करें, आपको आशीष दे। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर यदि आप इस तरीके से विश्वास रखते हैं, वैसे आपको विश्वास रखना है दान में, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी इच्छा के अनुसार, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप देना चाहें, परमेश्वर के भाव ने बीज बोना चाहें तो आप बो सकते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, अपने कामों को अच्छे से करिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।